सीनियर एडवोकेट, ये नाम आपने सुना होगा और आप सोचते होंगे कि जो शख्स सीनियर एडवोकेट होता है उसका कद बहुत बड़ा कोर्ट में होता है और उसे पाना बहुत मुश्किल होता है, उसके फायदे कितने होते हैं। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो तरीका है, क्योंकि अभी जो तरीका है, जो सीनियर एडवोकेट जो होता है वो ये तय नहीं करता कि आपने कितने साल प्रैक्टिस करी, वो ये तय करता है कि कोर्ट आपको मानती कि नहीं मानती। यानी कि अगर 30 साल तक की आप प्रैक्टिस एक कोर्ट में कर रहे हैं और कोर्ट ने नहीं माना तो आप डेजिग्नेटेड नहीं है। अगर आप 20 साल कर रहे हैं और कोर्ट ने माना कि आप इस लायक हैं कि आपको सी एडवोकेट का दर्जा दिया जाए, तो आप सी एडवोकेट अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीगल ऑब्जर्वर, मैं हूँ खुर्रम निजामी और हमारे साथ मौजूद है गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट असीम पांड्या साहब। असीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन नमस्कार असीम सर। साहब, नमस्कार सर। असीम साहब, पहला सवाल, क्यों एक अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के तौर पर अपना नाम दर्ज कराना चाहता है? उसके सीनियर एडवोकेट्स रिकग्निशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले तो उनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं 50,000 चार्ज करता हूँ तो सीनियर डेजिग्नेशन होने के बाद में मैं उसका 1.5 लाख कर सकता हूँ। तो उसका इंस्टेंस मैं आपको सीधा एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि 1597 में सर फ्रांसिस बेकन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट क्वीन काउंसिल इन इंग्लैंड एंड हीज इनकम मल्टीप्लाइड 10 फोल्ड, 10% ज्यादा इनकम हो गई उस टाइम पे भी। हाँ, और हाई कोर्ट में जब सीनियर एडवोकेट्स खड़ा होता है तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है, उसको अलग तरीके से रिसीव किया जाता है, उनके आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा एडवांटेज मिलती है। और क्लाइंट्स के माइंड में भी ऐसा है कि जब तक हम अच्छे सीनियर एडवोकेट को नहीं रोकेंगे तब तक हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा एक प्रभाव है सीनियर एडवोकेट का, इस वजह से लोग सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं। और इट हैज बिकम एन एलिट क्लास अमंग एलीट दी क्लास, लॉयर्स, तो एलिट क्लास। क्या मैं एक एलीट क्लास के से बात कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि आप ही सी एडवोकेट हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को ऑर्डिनरी मानता हूं, मैं अपने आप को ऑर्डिनरी मानता हूँ, लेकिन ये क्लास विद इन द क्लास विदाउट एनी पर्टिकुलर रैशनल, उस ये सिस्टम में कोई रैशनल है नहीं। उसके बाद में आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। सर, हम और हमारे दर्शक, क्योंकि काफी दर्शकों से हमसे बातचीत होती है और इतफाक से दर्शक ने पूछा भी था कि एक वकील सी एडवोकेट बनता कैसे है। अभी एडवोकेट्स एक्ट 1961 में उसका सेक्शन 16 में उसका प्रावधान है, लेकिन अभी हिस्ट्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ कि एडवोकेट्स एक्ट में सेक्शन 16 में ऐसा बोला है कि बार काउंसिल के रोल पे दो तरह के लॉयर्स होंगे, एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। और सीनियर एडवोकेट के लिए उसमें कुछ ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, उसमें बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉयर, लीगल एक्यूमन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ, ये सब देख के हाई कोर्ट किसी को डेजिग्नेट कर सकती है सीनियर एडवोकेट। तो इतना सिंपल लिखा है कि इट इज एब्सोल्युटली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, के किसको डेजिग्नेट करना है। तो उसमें पैरामीटर्स फिक्स नहीं है। इस वजह से काफी सालों से हमने देखा है कि भाई कई जगह कई लोगों को ही देते हैं सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन, और कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट रही है कि उनकी 40 साल की प्रैक्टिस है फिर भी उसको डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं बनाया गया है। तो उसमें ये एक एम्बिग्विटी बहुत सालों से है। तो उसका भी एक बाद में इंदिरा जयसिंह का केस आया तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली सेक्शन 16 में इसकी बात की गई है सीनियर एडवोकेट की, कि इस तरह से आप डेजिग्नेशन आप कर सकते हैं हर एक हाई कोर्ट को, और हर एक हाई कोर्ट को अपने रूल्स बनाने का बोला उसमें। तो तो वो उसका एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बात फिर से निकल के आई है, और सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक में इस बारे में फिर से जो इंदिरा जयसिंह का जजमेंट था उसमें क्या क्या फ्लॉज है, उसमें क्या लूप होल्स है, वो सब देख के कुछ नई बात करने की सोच रही है कि भी इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बन जाए। अभी सबका यही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, अभी सबका यही है कि जो पहचान वाले उसको मिलता है, जो नहीं है उसको नहीं मिलता है। उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ पॉलिटिक्स चलता है, जो इन्फ्लुएंशियल है, जिसके फैमिली में कोई जज है, कोई एडवोकेट जनरल है, कोई सॉलिसिटर जनरल है, तो उनके फैमिली वाले को मिलता है रेंट
रेगुलर एडवोकेट नहीं मिलता है, ऐसी काफी सारी कंप्लेंट्स हैं। तो अंकल सिंड्रोम यहाँ भी चलता है, कहना चाह रहे हैं। डेफिनेटली सब जगह चलता है, तो ये तो मैं मानता हूं कि अभी उसमें डेजिग्नेशन में भी इट इज नॉट प्योरली ऑन मेरिट। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से एडवोकेट को एक सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिले, उचित व्यवस्था क्या है आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं कि उसको लागू किया जाए? मेरे हिसाब से जो इंडिया में हमने जो सीनियर एडवोकेट की जो प्रैक्टिस इवॉल्व की, वो पहली बार बॉम्बे बार एसोसिएशन ओरिजिनल साइट जो लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो प्रैक्टिस भी वॉलंटरीली थी। वॉलंटरीली मींस अगर मैंने 10 साल, उसमें क्राइटेरिया ऐसा था कि अगर आपने 10 साल की प्रैक्टिस की है तो आप ईपी जनरली सीनियर एडवोकेट्स के रोल पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बार एसोसिएशन वुड रिकॉग्नाइज। सो इट वाज नॉट बाय कोर्ट, इट वाज रिकॉग्निशन बाय द बार एसोसिएशन इटसेल्फ। तो उसमें उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस उस वजह से वो, क्योंकि बॉम्बे में काफी यंगस्टर्स प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे थे और काफी सारा काम जो था चंद 10-15 सीनियर के पास ही था, अच्छा, तो उनको, हाँ, जो जूनियर्स थे उनको ये प्रोफेशन में सस्टेन करने का बहुत डिफिकल्ट था। तो इस वजह से ये सीनियर्स ने बोला कि चलो ठीक है, वी विल गिव अप सर्टन पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस, हम ड्राफ्ट नहीं करेंगे, हम छोटे 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 केस में हम पेश नहीं होंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम स्मॉल कॉजेस केसेस में नहीं अपियर होंगे, नोटिस ऑफ मोशन में नहीं होंगे। तो जूनियर एडवोकेट विल प्रिपेयर द केस, वो रिसर्च करेगा और सीनियर को असिस्ट करेगा, और सीनियर वुड पार्ट विद हिज फी, सम पोर्शन ऑफ फी, सो दैट जूनियर कैन लर्न एंड अर्न। तो उस तरह की वॉलंटरी सिस्टम थी वो 1954 तक की, ये वॉलंटरी सिस्टम चली। जब सुप्रीम कोर्ट भी बनी इधर 1950 में, तब सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही रूल चला कि भाई जिसको 10 साल की प्रैक्टिस है वो अपने आप को बोल सकता है कि भाई आई वांट टू रिकॉग्नाइज अ सीनियर एडवोकेट एंड बार एसोसिएशन वुड रिकॉग्नाइज इट, and then he will have to undertake, means that he will not do all this miscellaneous work and he will appear only through a junior lawyer and he will part with some portion of his fee. So wo 1954 tak chala. Aur baad mein suddenly, because there was one SR Das committee which has made recommendation ki bhi पूरे इंडिया में एक ही नाम का लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तो वो सब डिस्टिंक्शन जो थे वो निकाल देने चाहिए और सब जो लीगल प्रैक्टिशनर से उनको एक ही नाम से बुलाना चाहिए, एडवोकेट। तो उस टाइम उन्होंने भी देखा कि भी ये जो वॉलंटरी बेसिस पे सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं, कई लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये करते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला कि भी ये अच्छी बात नहीं है कि भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए और विजिटिंग कार्ड में सीनियर एडवोकेट्स लिखते हैं लेकिन उसमें कैलिबर नहीं है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग तरह से उनके रिपोर्ट को देखा और 1954 में उनने सुप्रीम कोर्ट में अपना रूल अमेंड कर दिया, और जो वॉलंटरी बेसिस पे रिकग्निशन था वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले लिया कि भी हम अब डिसाइड करेंगे कौन सीनियर एडवोकेट रहेगा, किसको सीनियर एडवोकेट बनाएंगे और सीनियर, यस। सो आफ्टर 1954 इट सीज टू बी ए वॉलंटरी बाय द बार। बाद में एक इंटरेस्टिंग बात में, जब 1960 का एडवोकेट्स एक्ट बना, 1961 का, उससे पहले मिस्टर एमसी सेतलवाड, वो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने 14th रिपोर्ट में बोला कि भाई ये सिस्टम उन्होंने कोई स्टडी नहीं किया उस टाइम, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यूज, तो विदाउट स्टडीइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो विदाउट कंसिडरिंग द एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया कि ये सिस्टम होनी चाहिए और ये रिकग्निशन हाईकोर्ट को देना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्यों चाहिए कि जो आप कोर्ट अगर नहीं करता, जजेस डेजिग्नेट नहीं करते हैं किसी एडवोकेट को सी एडवोकेट, तो फिर कौन करेगा, कैसे मेरे करेगा? हिसाब से अगर इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाना है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि काफी सारी कंप्लेंट्स हुई है, कई लोगों ने बहुत कंप्लेंट की कि हम कैपेबल है, हमारे पास इतनी सारी प्रैक्टिस है, फिर भी हमको हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और देयर इज अ क्लियर डिविजन, एज आई सेड के भी जब सीनियर एडवोकेट जाता है तो उसको बहुत अलग तरह से देखा जाता है कोर्ट में, उनके हर एक शब्दों को अलग तरीके से उसका वेट मिलता है और फीस भी काफी ज्यादा मिलती है, जो मेरे हिसाब से एक तो पहले रैशनल नहीं है ये सिस्टम में जो है, कोई रैशनल नहीं है। मैं आपको पूछूंगा कि भी
सीनियर एडवोकेट क्यों होना चाहिए, उसका क्या रैशनल है, क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर जिस सिस्टम का कोई रैशनल नहीं है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, इंदिरा जयसिंह का जजमेंट जो है उसके आई थिंक पैराग्राफ 11 में पहले लिखा है गोगोई साहब ने, कि भी क्वींस काउंसिल सिस्टम कैसे शुरू हुई इंग्लैंड में, क्वींस काउंसिल सिस्टम कैसे शुरू हुई इंग्लैंड में और उसका क्या रैशनल थे, ये अभी तक मालूम नहीं है हमको। तो जो सिस्टम का रैशनल उनको मालूम नहीं है, ऐसे सिस्टम इधर क्यों लगाते हो इंडिया में? तो सर होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए एक एडवोकेट? मेरे हिसाब से जो बॉम्बे बार एसोसिएशन ने जो वॉलंटरी बेसिस पे निकाला था सिस्टम, कि भाई मुझे बनना है तो अगर मेरी 10 साल की प्रैक्टिस है, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में से थोड़ा पोर्शन जूनियर के बेनिफिट के लिए देना चाहता हूँ, मैं वकालतनामा उसका डालूंगा और ही विल ड्राफ्ट, ही विल प्रिपेयर, ही विल मेक रिसर्च, सो ही विल लर्न एंड आई विल पार्ट विथ सम फी एंड आई विल नॉट डू मेंशनिंग, नाउ दैट इज ऑल्सो नॉट बींग फॉलोड। ऐसा है कि एवरी सीनियर, अभी कोई हाई कोर्ट में ऐसा इंसिस्ट नहीं करते है कि सीनियर एडवोकेट शुड नॉट मेंशन द मैटर। अगर सीनियर है तो क्यों मेंशन कर रहे हैं आपको भाई? आपको सिंपल मेन मैटर्स पे, आपको छोटी छोटी ब्रिंगिंग ईयर्स की मैटर में डिले कॉन्डोनेशन, ये भी छोटा मैटर है, मिसेलेनियस मैटर्स है। यू कैन नॉट अपीयर इन मिसेलेनियस मैटर्स वंस यू हैव एक्सेप्टेड डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट। तो ये तो कोई फॉलो करता नहीं है, तो दोनों साइड का अच्छा लेना है, फी भी लेनी है, मिसेलेनियस में अपीयर होना है, मेंशन भी करना है। तो अगर ओरिजिनल जो प्रैक्टिस थी वो रिस्टोर की जाए, तो जो सारी कंप्लेंट्स है लॉयर्स की जिनको नहीं बनाया गया है, तो वो सारी कंप्लेंट मिट जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये प्रैक्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कैपेबल नहीं है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सीनियर डेजिग्नेट क्यों नहीं होते हैं? बिल्कुल सही बात। तो ये सिर्फ इजारा सिर्फ उनका ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स का। तो पहले तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उसका कोई रैशनल नहीं है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आर्टिकल 18 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसा प्रोहिबिट करता है कि भाई स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल और डिस्टिंक्शन, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन डिस्टिंक्शन, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल डिस्टिंक्शन। तो चलो हम बोलते हैं चलो ये टाइटल नहीं है, चलो फॉरगेट इट। उसके बारे में भी एक जजमेंट है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बालाजी राघवन, जिसमें बोला है कि कब किसी को टाइटल बोला जाता है, तो ये हमें टाइटल नहीं मानते हैं, चलो एक बार तो इसको डिस्टिंक्शन तो मानना पड़ेगा। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये एजुकेशनल डिस्टिंक्शन नहीं है और मिलिट्री डिस्टिंक्शन नहीं है। तो अगर ये डिस्टिंक्शन है, repeatedly Supreme Court has said that this is an honor, distinction, recognition. तो अगर distinctions Article 18 से prohibit है, तो कैसे लगा सकते हैं? Original practice अगर restored हो जाती है, और Bar Association will have to recognize them. ठीक है सर, fine sir. बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो आप साहब जो कि senior advocate हैं और गुजरात High Court Bar Association के President रह चुके हैं, उन्होंने हमसे तमाम तरह बातें की और बताया कि किस तरीके से एक अधिवक्ता को कैसे सीनियर एडवोकेट का डिजाइनेट किया जाना चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई भी होनी, देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी के लिए बस इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह पांडे साहब हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।